VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। 17 नवंबर को थाना हल्द्वानी पर यूट्यूबर सौरभ जोशी से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग के संबंध में एफआईआर दर्ज कर नैनीताल पुलिस टीम द्वारा मात्र 12 घंटे के अंदर ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, इनको किसी के द्वारा धमकी दी गई और देखा गया कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और 5 दिन में अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपके और आपके परिवार को जो हार्म करने की और उनको खतरा पहुंचाने की धमकी इसमें दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चूंकि लॉरेंस उसमें गैंग से जुड़ा हुआ नाम आ रहा था तो हमने तत्काल इसमें FIR रजिस्टर की। FIR रजिस्टर करने के बाद में हमारी SOG की, थाने की और जो बाकी टीम है वो भी हमने एक्टिवेट की और एक्टिवेट करने के बाद में जो क्राइम का पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता लगा कि सौरभ जोशी को किसी के द्वारा एक लेटर भेजा गया था। तो इसमें जो हमारा CCTV एनालिसिस है, मुखबिर है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके आधार पर एक लड़का चिन्हित हुआ और इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की। अभियुक्त अरुण कुमार जो है ये बदायूं का रहने वाला है, पंजाब के मोहाली में किसी होटल में काम करता था और वहाँ काम ठीक से नहीं करने के कारण उसने होटल मालिक ने उसको वहाँ से निकाल दिया और पैसों की तंगी में और शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में इसके दिमाग में आइडिया आया और इसने सौरभ जोशी को यूट्यूब पर सर्च किया और उसके घर का पता करते हुए यहाँ पहुँचा। उसने यहाँ आके उसके घर में लेटर डाला और उसको धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने 12 घंटे में इस केस का वर्कआउट किया है और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये।